ध्यान दें सभी विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं या कह सकते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और किसी स्थान पर जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं या कह सकते हैं उनका घनत्व कम होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक स्थान पर निर्बल और एक स्थान पर क्या होता है, प्रबल होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वह उस बिंदु पर हम एक या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में यदि आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए, वैद्युत फ्लक्स मिलेगा किसे, किसी पृष्ठ से संबंधित मिलेगा। पृष्ठ कैसा होगा आपका, काल्पनिक पृष्ठ कोश करते हैं हम उसको। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस काल्पनिक पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध बल रेखाओं की संख्या की क्या होता है, माप होता है। अब कैसे ज्ञात करेंगे हम, उसकी गणना कैसे करेंगे, कैलकुलेशन की वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित या उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की क्या होती है, माप होती है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक आसमान वैद्युत क्षेत्र, इस तरह एक आसमान वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमें एक काल्पनिक स्वच्छ काल्पनिक पृष्ठ चुन लेते हैं। पृष्ठ चुन लिया हमने, कैसा है, स्वच्छ काल्पनिक। अब यदि पृष्ठ से हमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, इसके लिए हमें पृष्ठ अवयव सपोज कर लेते हैं। सपोज कर ले पृष्ठ अवयव है डी और यहां से वैद्युत क्षेत्र कितना है। उस स्थिति में यदि आपको चाहिए, यहां पर हम दो तथ्यों पर विचार करें। एक तो पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ई, पृष्ठ से संबंधित वैद्युत क्षेत्र कितना है, और साथ साथ यहाँ एरिया वेक्टर पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर देखें, तो एरिया वेक्टर पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत इधर उधर हो गया डी, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित की है। इस बीच का कोण कितना हो जाए, थीटा। बीच का कोण कितना हो जाए, थीटा हो जाए। ये हो गया डी, ये पृष्ठ के लंबवत हो गया क्षेत्रफल वेक्टर, और बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो उस स्थिति में एक तो वैद्युत क्षेत्र मिल गया आपका E, और दूसरा क्षेत्रफल वेक्टर मिल गया D। तो जो पृष्ठ से इसे पृष्ठ से पूरे पृष्ठ से पहले हम इस अवयव की बात कर लें, तो इस अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह वैद्युत क्षेत्र E और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर dA के स्केलर गुणन यानी E डॉट dA के बराबर होगा। यानी पृष्ठ अवयव dA से बद वैद्युत फ्लक्स, इसको हम डी फाई की सपोज करें, तो ये बराबर होगा ई डॉट dA, इसके बराबर मिलेगा ई डॉट dA, यानी वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ के अवयव पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है dA उसके स्केलर गुणन के बराबर। ठीक, अब एक संपूर्ण पृष्ठ से चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में फाई की है सपोज कर ले, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या है हमारे पास, एरिया, तो कौन सा समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया इंटीग्रेशन।
और साथ में क्या लिख लेंगे, ई डॉट डी। तो इस तरह से जो है आप वैद्युत फ्लक्ष ज्ञात कर सकते हैं यहां से। अब चाहे तो इस ई डॉट डी को भी अवसरण कर सकते हैं, ए आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा के, तो यहां भी लिख सकते हैं इंटीग्रल जो है एरिया इंटीग्रेशन आप डी डी फाइव बराबर हो जाएगा ई डी ई कास थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहां से देखें तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो उस स्थिति में, जैसे आप पृष्ठ से बाहर निकल रही तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, लेकिन यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। या ऐसा कह सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर और इनके बीच का कोण न्यून कोण है तो धनात्मक, लेकिन यदि 90 डिग्री से अधिक हो गया, क्या कह सकते हैं विपरीत डायरेक्शन में हो गया, तो कैसा मिलेगा आपको, ऋणात्मक मिलेगा। अब यहां से देखें तो वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ घटक की वैद्युत क्षेत्र के उस वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अवलंब घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। फिर से ध्यान से सुनो, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अवलंब घटक के पृष्ठ समाकल, अवलंब घटक के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अवलंब घटक के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। तो ये तो बात हो गई जब पृष्ठ था, अब यदि पृष्ठ नहीं है हमारे पास, एक बंद सब कुछ कर लें जो आपका पृष्ठ है, अभी तो ये खुला था आपका ये वैद्युत बल देखाए हैं ऐसे, इसमें एक पृष्ठ ले लिया जो कि बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, सपोज कर लें बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ। अब यदि बंद पृष्ठ होगा तो बंद पृष्ठ से पद न वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ है और उससे बद्ध आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो उस स्थिति में जो है इंटीग्रेशन आपका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, इंटीग्रेशन फाइव इसको हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, ई डॉट डी यही रहेगा, बस इंटीग्रेशन जो होगा वो क्लोज होगी, क्लोज इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी बंद पृष्ठ के लिए क्लोज लगाएंगे, खुला पृष्ठ है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एरिया इंटीग्रेशन लिखेंगे आप। तो इस तरह से दो तरह से इंटीग्रेशन लिखेंगे आप, बंद पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, क्लोज, यानी इस इंटीग्रेशन का जो मार्क है साइन है उस पर एक सर्किल बना देंगे और ये बताएगा आपको कि क्लोज इंटीग्रेशन। तो इस तरह से क्लोज इंटीग्रेशन और जो है एरिया इंटीग्रेशन करके आप, एरिया इंटीग्रेशन उस पृष्ठ के लिए जो बंद नहीं है और एक पृष्ठ बंद है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब इसको आप कैसे आगे सरल करेंगे, जैसे अभी जो हमें मिला पीछे खुले पृष्ठ के लिए जो था फाइव पी स्क्वायर मिला एरिया इंटीग्रेशन पी डॉट टी। अब यदि यहां ई व डी के बीच थीटा कोण है, ई व डी ए के बीच कितना कोण है, थीटा कोण है, तो यही फाइव ई बराबर मिल जाएगा
एरिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ए डॉट बी कर सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको आउटसाइड कर सकते हैं, तो कांस्टेंट है क्या इसमें, जो भी कांस्टेंट पद है उसको हम क्या कर लिख सकते हैं, आउटसाइड लिख सकते हैं, तो ई कॉस थीटा आउटसाइड हो जाएगा, बचेगा क्या डी। और यदि ये दिया है एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल ए, तो इस स्थिति में एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल ए, तो उस स्थिति में क्या मिल जाएगा आपको, फाई ई बराबर मिल जाएगा, ये देख दे ई ए का थीटा हो जाएगा। और यदि ई का थीटा हो गया तो ए डॉट बी से फिर इसको लिख सकते हैं ई डॉट के, यानी फाइव की बराबर मिल जाएगा ई डॉट ए। ठीक, यानी किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो मिलता है वो आप उस पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के स्केलर गुणन के क्या मिल रहा है, यहां बराबर मिल रहा है। अब यहां कुछ परिस्थितियों पर हम विचार कर लेते हैं, कुछ कंडीशन देख लें, विभिन्न कंडीशनों में हमें क्या वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला मिलता है। पहली कंडीशन, यदि ई व ए या डी ए जो भी है, ई व ए के बीच कोण थीटा इक्वल है 90 डिग्री। ठीक, या 90 से पहले जीरो कर देते हैं, जीरो, तो इसमें फाई ई बराबर मिल जाएगा आपको ई डॉट ए होता है, बराबरी मिलेगा ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान रख दें तो ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी आ गया ई। ठीक, दूसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर है आपका 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो फाई ई बराबर मिल जाएगा ई ए क्या कॉस 90 बराबर ई ए इंटू जीरो, कॉस 90 का मान होता है 0 इक्वल 0। तो इस तरह से मिल गया आपको ई डॉट ए का मतलब, तो यहां कोण 0, इसका तात्पर्य है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, और 90 का मतलब क्या है, जब दोनों परस्पर कैसे हैं लंबवत, यानी पृष्ठ लंबवत होगा तो उस स्थिति में उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। आइए इसका मात्रक देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर ई का मात्रक, ई ए का मात्रक, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर आप आसानी से विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, विमीय सूत्र में एन न्यूटन का विमीय सूत्र एन एल टी माइनस टू, फिर मीटर है मीटर का एल टू, और फिर कूलाम है तो कूलाम का आप जानते हैं क्या होता है ए टी, सरल कर लें, एल यहां है 2 एक घात और 2 यहां से 3 घात, एम तो एक ही है 2 एक 3, यानी एल 3 हो गया, टी माइनस टू एक ऊपर और जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा टी माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा एक की घात है, नेगेटिव हो जाएगी टी माइनस फोर,
तो इसका का डायमेंशन हो गया एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र भी आप याद कर सकते हैं।